सूर्या SU-1002 चिमनी की PCB इंस्टॉल करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक कैपेसिटर है और फिर PCB और मोटर की वायर, जिसमें हमारे पास 6 वायरें हैं। PCB के हमारे पास 6 वायरें हैं, इनको हमें आपस में अटैच करना है। इसके लिए सबसे पहले एक जंग तैयार करेंगे। जंग तैयार करने के लिए एक कैपेसिटर की वायर और एक मेन वायर और एक PCB की ब्लू वायर और एक मोटर की ब्लू वायर और एक ऑटोक्लीन की वायर, ये हमारे पास 5 वायरों का एक जंक बनेगा। ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारे सारे सिंगल सिंगल कनेक्शन होने हैं, जैसे कैपेसिटर है, मोटर की येलो वायर। मोटर की रेड और PCB की रेड अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास बचेगा ब्लैक। ब्लैक को ब्लैक के साथ, इसके बाद हमारे पास बचेगा येलो। येलो को ऑरेंज के साथ, इसके बाद हमारे पास PCB में बचा वाइट। वाइट को हम ऑटो क्लीन के साथ जोड़ेंगे। ये कनेक्शन लगभग हमारा अब कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक पावर केबल का और रह गया है, ब्राउन मेन PCB और एक मेन पावर केबल से आ रही है वायर, इनको अटैच कर लेंगे। अब हमारे पास कनेक्शन बचते हैं एक लाइट का, ये लाइट के लिए सॉकेट है, पैनल वायर इस कॉर्नर की जगह पे और सेंसर की वायर, ये हमारा यहाँ लग जाएगा दूसरी तरफ, और ये हो गया कंप्लीट। अब हम चला के देखते हैं क्या कनेक्शन हमारा सही हुआ है या नहीं। बिल्कुल ओके है।